और वो इमली का पेड़ है, सरसों का साग है, और देखिए बत्तख वगैरह जिसको डक कहते हैं, आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सब गांव का माहौल है और अपना गांव भी मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। गाइज ये देखिए, हेलो गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल वर्किंग वुमेन पारुल। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ अपने गांव और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना गांव। आप ये देखिए मेरा पूरा खेत, मैं अपने अभी खेत में खड़ी हूँ। मैं सिर्फ वन डे के लिए आज अपने गांव आई हुई हूँ और मैंने सोचा कि जो चीज़ें हो सकती मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड आज मतलब घर में पूजा भी है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो अभी मैं आप लोगों को खेत दिखा रही हूँ और अपना घर भी शेयर करूँगी गाँव वाला। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा हमेशा जैसे बहुत पसंद आएगा। तो चलिए धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखाती हूँ। और ये मेरी मम्मी, मम्मी भी आई हूँ, मम्मी आइए मम्मी है, मैं भी हूँ। और ये देखिए फिलहाल ये आप पूरा देख रहे हैं ना, ये भी मेरा खेत है एंड सारी चीज़ें बोई हुई। क्या क्या है मम्मी यहाँ पे जो चीज़ें हैं? हाँ, आलू है, भाजी है, हाँ, सरसों का साग है। ये कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत बहुत। चलिए, अरहर का पेड़ है जो दाल बनता है, अरहर का भी पेड़। फ्रेंड्स मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ और अपना गांव का घर भी दिखाऊंगी जहाँ एक्चुअल में मैं पैदा हुई। मम्मी यही पैदा हुए थे ना? और मम्मी आइए इधर। गाइज ये है अरहर का पेड़, आप ये देखिए, ये देखिए। मैं मतलब मेरे गांव में अरहर की खेती भी होती है गाइज। तो फ्रेंड्स, खेतों की बात थोड़ी बहुत करके अब मैं निकलती हूँ अपने घर के बाहर और आप लोगों को दिखाती हूँ अपने गांव का थोड़ा सा व्यूज़। ये मेरा घर है गांव का, बट इसका सारा टूर मैं आने वाले अपने ब्लॉग में ज़रूर करवाऊँगी। तो गाइज़ अभी आ गए हैं हम लोग गांव के तालाब में। तालाब को यहाँ पे गांव की लैंग्वेज में पोखरा भी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कई लोग जानते भी होंगे ये वर्ड। और हम लोग आ रहे हैं, देखिए तालाब पे कुछ फंक्शन करना था तो मैंने सोचा कि शूट कर लूँ और आप लोगों के साथ क्लिप्स भी शेयर कर दूँ। तो तालाब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर गांव में, हर गांव में तालाब होता है गाइस, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि जो भी फंक्शंस होते हैं घर से रिलेटेड वो तालाब पे होते ही होते हैं, फिर वो चाहे शुद्धि के हों फिर चाहे अशुद्धि के हों। तो आप देख रहे हैं पहले से ही कुछ लेडीज़ यहाँ पे हैं, अपने घर के कुछ प्रोग्राम्स कर रही होंगी वो, और हम लोग भी आए हैं। आप देखिए कितना प्यारा व्यू है गाइस, और मुझे तो पूरा अपना बचपन याद आ गया। एक्चुअल में डैडी की जॉब बाहर थी तो हम लोगों की सारी पेरेंट्स वगैरह, सारी स्टडी वगैरह हम लोगों की बाहर हुई है और गाँव में हम लोगों को छुट्टियों में आने को मिलता था। तो आप ये देखिए तालाब के उस तरफ थोड़ा सा छोटा सा आपको मंदिर दिख रहा होगा जहाँ पे पूजा वगैरह होती है। मतलब एक्चुअल में सारे गांवों के लोग आ करके करते हैं, कॉमन मंदिर है वो। और ये अब तालाब का व्यू देखिए कितना प्यारा है, बहुत बड़ा तालाब नहीं रहता है, छोटा सा ही तालाब रहता है, बट बहुत अच्छा लगता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं भी आई हूँ, कुछ फंक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि मैं भी ज्वाइन कर लूँ, मैं भी इंजॉय करूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और आई होप कि अगर आप लोगों ने अभी तक गांव का कोई व्यूज़ नहीं देखा है तो मेरे ख्याल से प्लीज़ जाके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। देखिए बकरियाँ वगैरह हैं और गांव की औरतें बैठी हुई हैं, कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ की लैंग्वेज वगैरह भी बहुत अच्छी लगती है। मीन्स गाइज़ ये होता है ना कि आप कितने भी बड़े बन जाओ बट जो आपका रियल कस्टम है, रियल आपका जो कल्चर है, उससे हर आदमी को बहुत प्यार करना चाहिए। और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, मुझे इसमें शर्म नहीं आती कि मैं गांव से रिलेटेड हूँ या फिर गांव से रिलेटेड चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, मैं बहुत प्राउड करती हूँ अपने कस्टम पे और अपने कल्चर पे, मुझे इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। तो आई होप कि सारे लोग इस चीज़ से एग्री करते होंगे। तो आप लोगों के बाद, इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए गांव में आप लोगों को पियरा पता होगा। पियरा मीन्स जो गाय वगैरह को भूसा खिलाते हैं गाइस, तो वो आप देख रहे होंगे, वो जो आदमी है वो सारे पियरा को अच्छे से रख रहे हैं। एंड बचपन में हम लोग खेलते थे इसके ऊपर, चढ़ चढ़ करके खेलते थे, इसके अंदर घुस जाते थे गाइस, बट इसमें इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है।
एंड ये रोड वगैरह आप सब गांव की देखिए, पक्की रोड है, पहले पूरी कच्ची थी, कहीं कहीं पे रोड नहीं बनी हुई है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब यू नो आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत रिलैक्स सा फील होता है। ये सारे देखिए गाय वगैरह हैं, एंड गाँव में तो ऐसा ही कल्चर होता है, आई थिंक सारे लोगों के गाँव में ऐसा ही होता होगा। आप पेड़ वगैरह देखिए, मैंने तो बहुत इंजॉय किया फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे जॉब के वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता है कहीं बाहर जाने का। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं गांव में आई हूँ, और ये देखिए गांव में चूल्हे पे खाना खाना सो टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है चूल्हे का खाना। फ्रेंड्स जो लोग चूल्हे का खाना खाते होंगे उनको पता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप ये देखिए गोबर का कंडा कहते हैं वहाँ के लैंग्वेज में, मतलब गांव के लैंग्वेज में कंडा कहते हैं, या फिर उपरी भी कहते हैं, जिसके तरफ जो वर्ड्स यूज़ किया जाता हो। तो यहाँ पे चूल्हे पे खाना भी बन रहा है। और ये रही मंदिर गाँव की, हर गाँव में एक मंदिर होती है, कॉमन मंदिर होता है गाइस, जहाँ पे लोग जाते हैं पूजा पाठ करने। तो ये रही मेरे गाँव की मंदिर, शिव जी की मंदिर है। और मेरे खुद के घर में भी एक अलग से मंदिर बनी हुई है, जो कि मैं आने वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये है आम का पेड़ फ्रेंड्स, किसका है मुझे पता नहीं, बट गाँव के मंदिर के बगल में है। और ये है गाँव की मंदिर, इसके अंदर शिवलिंग स्थापित है। तो मैं अंदर से नहीं शूट किया गाइस, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई, बट बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मंदिर से निकलने के बाद फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं, ये पेड़ है, कनेर का पेड़ है फ्रेंड्स, जो कि हर गांव में लगा रहता है मंदिर के अगल बगल में, क्योंकि कई लोगों को रहता है कि पूजा वूजा करने के लिए यहीं से फ्लावर्स वगैरह मिल जाएं। तो आप देखिए बहुत अच्छा है, येलो फूल काफ़ी शुभ होता है भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें सभी के गाँव में होती होंगी, जो कि मेरे गाँव में है। और बस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो जितनी क्लिप्स हो चुकी है ना फ्रेंड्स, मैं जितना पॉसिबिलिटी हुई है मुझसे शेयर करने के लिए, मैं सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ये कनाया का पेड़ है, सब लोग जानते होंगे। एंड आप ये रोड भी देखिए, थोड़ी सी कच्ची वच्ची रोड है, क्योंकि हर जगह तो आप सोच लो कि पक्की रोड रहेगी गांव में, तो मुझे तो नहीं लगता 100%, कहीं ना कहीं तो कच्ची रोड रहेगी ही रहेगी। तो अभी आप देखिए ये गाँव की कच्ची रोड है, और मैंने सोचा कि ये भी चीज़ें शेयर कर दूँ। मुझे शर्म नहीं है कि भाई मैं वही चीज़ें शेयर करूं जो मैं शेयर करना चाह रही हूं, जी नहीं, जो चीज़ें रियलिटी है मेरे गांव की। हालांकि मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, तो मैं सारी चीज़ें शेयर कर रही हूं। एंड खपड़े वगैरह वाले घर तो सब लोगों ने देखे होंगे, तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और देखिए मैं निकल गई हूँ गाँव में घूमने के लिए, अकेले बाहर निकल जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक दो दिन के लिए आई हुई हूँ। और बस यही सारी चीज़ें हैं। आई होप गाइज कि आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा, बट अगर कुछ आप कॉमेंट्स करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कॉमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज। तो गाइज फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा।